तो निकल चुके हैं सफर पे। सो गाइस, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम जतिन है और हम दोबारा से चल रहे हैं अपने नए सफर पे। और नए सफर पे कहाँ जाने वाला हूँ, आपको लेकर चल रहा हूँ, कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, किस तरह सफर रहेगा, कितना खर्चा आने वाला है, क्या क्या चीजें होंगी, सब चीजों को आपको बताऊंगा। बस आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी निकल रहे हैं, रात का वक्त है और जहाँ हम जाने वाले हैं यही मौसम है जाने का उन जगहों पे। बैग हमारा पैक हो चुका है, बस निकलने की तैयारी है, मेरे साथ बने रहिएगा। तो भाई लोग, हम निकल चुके हैं सफर पे। गाड़ी मंगा ली थी उबर मेरे घर से, वेस्ट दिल्ली से मैंने दिल्ली कैंट तक के लिए करी है उबर। बाकी चल के पहुंच के बताता हूँ क्या खर्चा रहा। ये है दिल्ली कैंट का रेलवे स्टेशन। और सच बताऊं तो 3 साल पहले ट्रैवल कर रहा था फैमिली के साथ अमृतसर ट्रेन में, और उससे पहले पापा के साथ ट्रैवल कर रहा था दिल्ली से पठानकोट। प्लान करा भैया अकेले जाया जाए, ट्रेन में सफर करे बहुत टाइम हो गया और सच बताऊं तो अजीब भी लग रहा है। और कहाँ जाने वाला हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। चलते हैं, पहले अंदर एंटर कर जाए फिर बात करते हैं। ये स्टेशन है, ये ट्रेन है अपनी। ट्रेन का नाम कुछ अजीब सा है, ये नंबर्स आ रहे हैं ट्रेन के। ये टिकट काउंटर है, पूछताछ इंक्वायरी। वैसे टिकट अपनी बुक है, ऑनलाइन मैंने बुक कर ली थी तो सब खाली पड़ा हुआ है। पूछ लेता हूँ कौन सा उस पर। एक नंबर, थैंक यू जी। तो भैया एक नंबर प्लेटफार्म से कह रहे हैं ट्रेन आएगी, तो चलो दिखाता हूँ ट्रेन कैसी है। मैं भी बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ, मैंने 3rd AC बुक करी है, और भी टिकट्स थी, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जा सकते हो। 2nd AC 1st AC सब कुछ था। 1st AC में जाना इसका मतलब फिर मैं फ्लाइट से चले जाता, पर मैं चाहता था ट्रेन से सफर करना, तो मैंने ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रैवल करा फ्लाइट से, और डोमेस्टिक में अपनी गाड़ी से जाता हूँ, पर इस बार ट्रेन से। सामान गया अंदर, हम भी गए अंदर, सामान आ गया बाहर और हम भी आ गए बाहर। ये स्टेशन है और यहाँ से जो हमारी ट्रेन है उसका नाम डीजू SF स्पेशल करके ट्रेन है, जो कि सराय रोला से 11 पे वहाँ से चलने के बाद यहाँ पहुँचेगी मेरे ख्याल से 11:30 बजे तक। तो पहले पहुँच गया हूँ क्योंकि आइडिया नहीं था कि ट्रेनों का टाइमिंग कि कितने बजे चलती है, मुझे लगा ट्रैफिक वैफिक ना मिले। और हम जाने वाले हैं जोधपुर, तो इस बार आपको जोधपुर घुमाने वाला हूँ और वहाँ से चलेंगे जैसलमेर। कुछ टाइम पहले मैंने उदयपुर भी गया था ट्रेन से, मुझे याद आया, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, और उससे पहले अमृतसर और उससे पहले पठानकोट। मतलब कुछ चुनिंदा सफर करे हैं मैंने पिछले 10 साल के अंदर, 3 या 4 बार हार्डली। मैंने यहाँ पे टिकट बुक करी है 3rd AC, टिकट मुझे पड़ी है अराउंड 1100 रुपए की, मैंने ऑनलाइन खुद ही बुक करी है। स्लीपर क्लास लेते तो अराउंड 400 रुपए की थी, 2nd AC अराउंund 1400 रुपए की थी, और 1st AC अराउंड 2500 रुपए की टिकट थी। और अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको बताऊंगा ट्रैवल करना है अगर आपको राजस्थान साइड तो यही टाइम है घूमने का, क्योंकि गर्मियों में आप वहाँ नहीं घूम सकते। तो लेके चल रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। ट्रेन आनी है 11:25 पे, वेट कर रहे हैं, हार्डली 2 मिनट की रुकेगी। खाना मैंने पैक करा लिया था, बस पानी की बॉटल लेंगे उसके बैठ जाएंगे। रेलवे स्टेशन पे मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, फैसिलिटीज काफ़ी कर दी है, ये स्टील्स की ऑलमोस्ट सीट्स काफ़ी जगह लगा दी है, ऊपर काउंटर देखेंगे, ऊपर TV लगे हुए हैं, और एक ही दूरी हर मेरे ख्याल से हार्डली 20 मीटर की दूरी पे लगातार TV लगे हुए, डबल साइड लगे हुए हैं TV, जिससे लोग आराम से मतलब अपना टाइम पास कर सकते हैं। और पीने भी निकले पानी वानी लगा हुआ, पर जैसे बात है कोविड का टाइम है तो लोग ये पानी को थोड़ा अवॉइड करेंगे, अपना पर्सनल पानी या फिर पानी की बॉटल लेंगे। तो फैसिलिटीज काफ़ी कर दी हैं, लाइटिंग अच्छी है, अंधेरा नहीं है, रोशनी पूरी है, और सेफ्टी के हिसाब से पुलिस का एक पीछे और एंट्री करते हैं वहाँ पर भी। हाँ, ये है कि किसी ने मेरा टेम्परेचर चेक नहीं करा कि जिससे पता चल जाए कि कोविड है या नहीं है, ये होना ज़रूरी था, जो कि नहीं है। ट्रेन के अंदर चलेंगे, ट्रेन में बताऊँगा कि भैया ट्रेन के अंदर कैसी फैसिलिटीज़ है, सफाई है या नहीं है। भाई मैंने एक अजीब चीज़ देखी, वो देखो ऊपर क्या है, फ्री वाईफाई उपलब्ध है भैया जी, तरक्की कर ली इंडिया ने, तरक्की, चार्जिंग पॉइंट भी दे दिए, वाकई में तरक्की कर ली भैया, ये तो एयरपोर्ट बना दिया इन्होंने। वही ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठे हुए थे, ट्रेन पे कभी गए नहीं, अपना डब्बा नंबर B4, और B4 पता चला जी काफ़ी पीछे था, तो वो तो शुक्र करो किसी से बात करी, पूछा ट्रेन आने में टाइम है, वैसे कह रहे थे किसी पर भी चढ़ जाओ आराम से घुस सकते हो, पर पूछ लिया, अब चल रहे हैं सीधा अपने डब्बे में, घुसेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ रोशनी नहीं है, प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा है, वो पीछे चलता हुआ आ रहा हूँ मैं, फाइनली पहुँच गया।
भैया ऊपर की मिली सीट। तो भैया बैठ गए ट्रेन में, ट्रेन फुल भरी हुई है उम्मीद से ज़्यादा, और काफ़ी लोग जा रहे हैं, सभी लोग सो ही रहे हैं, ऑलमोस्ट 11:30 हो गए हैं। अभी ऊपर वाली सीट दे दी है इन्होंने। तो भैया हम आए हैं बाहर, शोर बहुत ज़्यादा है, ये पैकिंग किसी के बंदे, ये क्या कर रहे हैं यार, सोने की जगह है क्या है? ये क्या है? सोने का कमरा। सोने का कमरा है, तो आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? कहाँ सो रहे, जगह है नहीं। तो आपने टिकट ही बुक कर रखी है? अच्छा, मैं बाथरूम देखते हैं क्लीन है या नहीं है। चलो सर, ये टॉयलेट है यहाँ का, ये वॉश स्टेशन साफ सुथरा ही है भैया। तो गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में। टॉयलेट सोप, टॉयलेट टिश्यू, इंग्लिश सीट यही चाहिए थी। गाइस गुड मॉर्निंग, हो गई है और सुबह के हो गए 8:15, 8:30 अराउंड 80 किलोमीटर दूर आ गए हम जोधपुर से। होने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल, आप उठ के बैठ नहीं सकते, आपके घर में पूरी मुड़ेगी, इतनी सीट छोटी है, इसका दरवाजे लगे हुए, किसी का ऑब्जेक्शन ना हो इसलिए मैं शूट नहीं कर रहा। ट्रेन सारी खाली हो गई है। तो भैया ये इस तरह से कोच है, ये 3rd AC है, दरवाज़ा बंद होता है, फैसिलिटीज तो सारी है, शीशे, लाइटिंग, AC, हीटर सब कुछ दे रखा है, काफ़ी लोग थे इसलिए मैंने शूट नहीं करा। तो हम पहुंच गए जोधपुर स्टेशन। तो भैया हम फाइनली पहुंच गए जोधपुर, कि वहाँ से भी टाइम से चली है, यहाँ भी टाइम से पहुँचा दिया है, 10:05 पर पहुँचना, 10:05 पर पहुँचा दिया है। और जहाँ जहाँ जो इसके टाइमिंग थे 2 मिनट रुकने का या 1 मिनट रुकने का या 10 मिनट रुकने का, वहाँ उसी टाइम से पहुँचाया। अब यहाँ से मेरा हॉस्टल है योस्टल, तो वहाँ जाना है, अभी देखते हैं लोकेशन उसके बाद बताता हूँ आपको। भाई स्टेशन तो साफ सुथरा है, आज है 26 जनवरी, सारी जगह 26 जनवरी मनाई जा रही है, और मैंने 25 तारीख की ट्रेन बुक करी थी दिल्ली से। जोधपुर पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं यहाँ से लोकल के लिए, कैसे करना है मुझे नहीं पता, बाहर जाने का रास्ता हमने करा यहाँ से लोकल ऑटो, और इन्होंने लिए 80 रुपये। वैसे हमारा जो हॉस्टल होस्टल है वो यहाँ से अराउंड दिखा रहा है 2.5 से 3 किलोमीटर, और यहाँ से जैसलमेर कितनी दूर है? 300 किलोमीटर है। चलो जी, तो भैया फिलहाल यहाँ पर हैं अगले 2-3 दिन, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे जैसलमेर के लिए। तो अभी फिलहाल चल रहे हैं अंदर, तो पुलिस वालों ने कहा जी शूट नहीं करना, मैं कहा भैया जी पता नहीं क्या बात हो गई। चलो हम रेलवे स्टेशन से निकल आए हैं। सर पैदल लेके जा रहे हो क्या? मैं कहा जी ऑटो के लिए, ऑटो तक ही पैदल लेके जा रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी सर, यही है। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं, सेकंड टाइम रुकने वाला हूँ हॉस्टल में। एक्चुअली में काफ़ी मैंने सुना है इसके बारे में, तो मूड बनाया कि यार रुकते हैं, ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। 20 मिनट बाद देंगे रूम, 20 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम लगना है? 20 से 25 मिनट लगेंगे। चलो जब तक फ्रेश वगैरह हो लें, फ्रेश वगैरह कर लेते हैं। और खाने वाने का क्या सिस्टम है? खाने के ऊपर रेस्टोरेंट है, बाहर है। अच्छा, ऊपर ही खाना है, रूम में नहीं लेके आ सकते? और क्या रूल्स हैं ये बता दो। ऊपर तो बाहर खोला हुआ, नो ड्रिंक, ऊपर अलग है। अच्छा, तो अलाउ नहीं करेंगे। ये क्या है? इसमें क्या क्या है? 12 बजे चेक इन, 10 बजे चेकआउट। मौसम कैसा है इस वक्त यहाँ पे? मैं जैसे अभी जैकेट पहनी है, सुबह तो ठंडी हवा चल रही थी, सुबह रहेगी। तो हम करेंगे यहाँ ब्रश, अभी हमारे रूम को लगेगा टाइम। तो जैसे इनके और भी रूम्स हैं, टॉयलेट है यूज करने के लिए। टॉको पे यहाँ पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। ब्रश कर लिया है, टॉप फ्लोर पे कह रहे हैं कि कुछ खाने का ऑप्शन है, तो देख के आते हैं। बाकी तो
अच्छा लग रहा है, गर्मी हो रही है, ऐसा तो गर्मी हो जाएगी तो रूम मिल जाए, जैकेट वगैरह चेंज करते हैं। कि यहाँ पे रेटिंग्स बहुत अच्छी थी, मैं यहाँ पे एक नाइट के लिए स्टे लिया, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उसके बाद आगे रूम लेना है, इसको कंटिन्यू करना है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है एज़ कम्पेयर दूसरी जगहों से जो हम घूमते हैं, और रूम यहाँ पे क्या प्राइस कॉस्ट करता है अगर बजट 3 स्टार में जाते हैं या 3 स्टार में जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से जो फोर्ट का व्यू है बहुत प्यारा है, अभी ऊपर से आपको नज़र आएगा, मैं भी लेके चल रहा हूँ। तो ऊपर कह रहे हैं रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, ये सिटिंग एरिया होगा, खाली पड़ा फिलहाल, कोरोना का टाइम है आपको पता है कोरोना काल, पर फिर भी कह रहे हैं फुल पैक है। तो हॉस्टल अच्छा है, रिव्यू अच्छे थे और न्यू स्टाइल में बना हुआ है, तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इससे पहले मैं हॉस्टल रुका था सिंगापुर में, तो एक्सपीरियंस अच्छा था, उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, पर अभी व्लॉगिंग करता हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा कितने का इसका बेडिंग है। इसमें आपके पास ऑप्शन आते हैं, इसमें आपके पास 8 बेडरूम आता है, 6 बेडरूम आता है, 4 बेडरूम आता है, उसका पर्सनल स्टैंडर्ड रूम, फिर डिलक्स रूम। मैंने शेयरिंग में 4 बेडरूम वाला लिया है, आधे घंटे में मिलेगा रूम, दिखाऊंगा कैसा है, क्या प्राइस है, कितने का है, मील इंक्लूड नहीं है। और जनरली वैसे मैंने ज़्यादातर नोटिस करा है ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं हॉस्टल रहते हैं तो ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, पर यहाँ नहीं है, पर देखते हैं क्या मील कॉस्ट है, ऊपर जाता हूँ दिखाता हूँ। बाकी ये भी बहुत अच्छा लग रहा है गेम खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए।